हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो लर्नर्स, अगर आप भी इग्नू में किसी भी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री करना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता कि एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और साथ ही वो स्टूडेंट्स जिन्होंने की 10th के बाद 12th ना करके ITI की है या फिर पॉलिटेक्निक की है, उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो फटाफट मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इग्नू में एडमिशन्स हैं वो दो सेशन में होते हैं, एक तो जनवरी और एक जुलाई। और अभी जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं वो जनवरी 2024 सेशन के लिए हैं। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके की एडमिशन सिर्फ जनवरी सेशन में होते हैं और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जिनके की एडमिशन जुलाई सेशन में होते हैं। और बाकी मैक्सिमम जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके एडमिशन आप दोनों ही सेशन में ले सकते हो। तो अब इसको रखते हैं साइड में और अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स और उनके साइज के बारे में। और इन डॉक्यूमेंट्स में मैं सबके कॉमन डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ, उसमें आप अपना थोड़ा खुद का दिमाग लगा लेना कि आपको कौन सा अपलोड करना है और कौन सा नहीं। बाकी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जिसका की साइज 10 KB से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए। और फोटो में सिर्फ आपका फ्रंट का फेस नजर आना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे फोन से फोटो खींच के जेम्स बॉन्ड वाले स्टाइल में भी अपलोड कर देते हैं, बाद में उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। सेकंड, आपके सिग्नेचर वो भी 10 से लेके 100 KB के बीच में होने चाहिए। और उसके बाद जो आपकी 10th की मार्कशीट है या फिर जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है और इसका साइज 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद आती है आपकी 12th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। तो अगर आपने 12th की है तो आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, और अगर आपने 12th नहीं की और ITI की है तो आप यहाँ पे अपना जो आपका ITI का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बट इसकी एक कंडीशन है, जो आपकी ITI है वो 2 साल की होनी चाहिए। अगर आपने 1 साल का कोर्स किया है तो आपका वो 12th के इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। और सेम आपने पॉलिटेक्निक की है तो आपको यहाँ पे अपनी पॉलिटेक्निक की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और उसका भी साइज 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए। और इसमें ना जो ITI और पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक चीज का ध्यान रखना। ध्यान क्या, मैं आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ना सर्टिफिकेट अपलोड करते हो ना, तो ये जो अदर वाला ऑप्शन है इस पे अपनी मार्कशीट अपलोड कर देना। और 12th वाले स्टूडेंट्स भी ऐसा कर सकते हो, एक जगह अपनी मार्कशीट अपलोड कर देना और एक अदर वाले ऑप्शन में अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। और इसके अलावा जो सेकंड अदर वाला ऑप्शन है, इसमें ना आपको अपनी एक ID अपलोड करनी है, और वो ID आपकी आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और आपको जो आपका आधार कार्ड है उसकी बोथ साइड स्कैन करके ही अपलोड करनी है। और स्कैन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले किसी भी साइबर कैफे पे जाओ और उनसे स्कैन करवाओ, बल्कि आप खुद ही इसे अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हो। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर आता है आपके मोबाइल में, अडोब स्कैन, अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और उससे स्कैन कर लेना, तभी आप इसको अपलोड करना। और साइज इनका भी वही होगा, 10 KB से लेके 200 KB के बीच में। तो अभी तक मैंने आपको ना जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बताया है, ये मैंने सिर्फ UR कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बताया है, और उनमें भी सिर्फ वही जिनको कि ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स तक में एडमिशन लेना है। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है यानी कि SC ST OBC, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, वो भी 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए। और अगर आप SC या फिर ST स्टूडेंट्स हैं, फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आपको यहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। और ये क्यों करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इग्नू में बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं जो SC और ST स्टूडेंट्स के लिए फ्री होते हैं, जिनमें कि आपको किसी भी प्रकार की एडमिशन फी नहीं देनी होती। उसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसे अच्छे से देख लेना। इसमें मैंने आपको सारी कंडीशंस बताई हैं कि इग्नू के द्वारा कौन कौन से वो प्रोग्राम्स हैं और कौन कौन सी वो शर्तें हैं जिसके द्वारा आप इग्नू में फ्री एडमिशन ले सकते हो। तो ग्रेजुएट लेवल तक की बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो अगर आपको किसी मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना है तो आपको सिर्फ 2 ही एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, उसका भी साइज वही होगा, 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में। और सेकंड, आपकी डिग्री। अगर आपकी डिग्री नहीं आई है तो आपके पास एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो आया ही होगा। अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे आप अपने कॉलेज से रिसीव कर सकते हो, क्योंकि डिग्री आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ये डिग्री से पहले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड ही इसलिए किया जाता है ताकि आप कहीं पे एडमिशन ले सको। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट का साइज भी आपको 10 KB से लेके 200 KB के बीच में ही रखना होगा। तो इग्नू में एडमिशन लेने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने आपको उनकी सभी की डिटेल दे दी है, और अब ये आपका काम है कि आप उनकी अच्छी सी क्वालिटी में पिक क्लिक करो या फिर स्कैन करो किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा, जिसमें कि वो थोड़े से भी ब्लर ना हो। क्योंकि अगर आपने कोई भी ब्लर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया ना, तो वो आपका एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर होल्ड पे डाल देंगे, या फिर आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेंगे। तो इसलिए अपने साफ सुथरी सी फोटो क्लिक करना। अगर आपके फोन का कैमरा साफ ना हो तो पड़ोसी का मांग लेना, बट अच्छी फोटो क्लिक करना। बाकी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इसके बाद भी आपके इग्नू में एडमिशन या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल हैं या आपके कोई भी डाउट्स हैं,
तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या फिर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। दोनों ही जगह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। और अगर अभी तक आपने इग्नू वॉइस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही ये बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि इग्नू से जुड़े सभी न्यूज और अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।